राहुल भाई, मैं ना आपको ना, आपको और चीता गेम के लोगों को ना मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, जो चीता गेम की जनता भी सुनेंगी और आपके माध्यम से भी, अगर आपके माध्यम से भी सामने बात आएंगे ना, तो आपको ना अचंभो हो जाएगा। कि अचंभो ये होगा ना कि ये शौचालय ना किस तरह से घोटाले हो रहे। नगर सेवक का काम ये नहीं है सर, नगर सेवक का काम ये नहीं है कि अपने अपने खानदान वालों को कभी दादी को दे देवे, कभी अपनी सिस्टर को दे देवे, कभी अपने भाई को दे देवे, कभी अपने एक्स वाई एक्स पीए को दे दे, ये नहीं चल सकता सर। ये मोहल्ले की उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। वो तो नगर सेवक 5 साल के लिए आया है। ये नहीं हो सकता है कि पावर का एक्सेस करके मनमानी करके किसी को अपने सगे वालों को दिया जाए। हाँ, अगर आपको इवेंट चाहिए तो मैं आपको देने तैयार हूँ। मैं प्रारी मुंबई में नूर के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मौजूद है मुंबई के चिता गेम इलाके में। हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि वार्ड नंबर 145 में एक अफवाह जो है बार बार जो है उड़ रही थी। शाहनवाज शेख पर जो है बार बार ये इल्ज़ाम लग रहा था कि वार्ड नंबर 145 के लॉट नंबर 11 के कई शौचालय, जो ऐसे शौचालय हैं जो शाहनवाज शेख अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अपने रिश्तेदारों को जो है वो शौचालय दिलवा रहे थे। पता नहीं अलग अलग तरीके के जो शाहनवाज शेख पर इल्ज़ाम लग रहे थे। आज हमारे साथ अहमद भाई है, इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए अहमद भाई के साथ बैठे हैं यहाँ पे। और अहमद भाई इस चीज़ का जो है खुलासा करने के लिए है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अहमद भाई के पास कुछ दस्तावेज है, इनकी जो टीम ने कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ लगे हैं ऐसे, जिस पर साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि शाहनवाज शेख जो है उन के अपने रिश्तेदारों को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अहमद भाई से हम बात करेंगे कि अहमद भाई क्या कहते हैं इस मामले पे। स्वागत है अहमद भाई आपका प्रारी मुंबई में। हाँ, मैं भी प्रहरी मुंबई का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। क्या नाम है अपना? राहुल भाई। राहुल भाई, आपने ना देखा कि मैंने कुछ मुद्दा आपके सामने रखा, मैंने शौचालय के ताल्लुक से, तो आपने इंटरव्यू के लिए जो तैयार हुए, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। बात ये ना सर जी कि चीता कैम्प के अंदर शौचालय का जो घोटाला हो रहा ना सर, इतने खतरनाक लेवल में हो रहा ना, जिसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। शौचालय बीएमसी वाले इसलिए बना के देते हैं इलाके में ताकि गरीब गुरबा और इलाके के लोगों को फ़ायदा पहुंचे, इसलिए बना के देते हैं कि वहाँ के लोगों को ना एक घर, क्योंकि अमूमन ज़्यादा चेता कैम्प के अंदर अमूमन लोगों के पास शौचालय नहीं है, घरों के अंदर शौचालय नहीं है। तो बीएमसी द्वारा है ना, मनपा द्वारा ना, ये सोचती है कि अपने इलाके में शौचालय बना के उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। लेकिन इलाके के अंदर अमूमन हर सेक्टर के अंदर है ना शौचालय के साथ सब घोटाले कर रहे हैं, जिसमें ना स्पेशल है ना, हमें ना विधानसभा अनुशक्ति नगर विधानसभा 172 और वार्ड नंबर 145 के ना नगर सेवक शाहनवाज शेख के ऊपर ना, मेरे को ना इतना दुख हो रहा ना मेरे को, क्योंकि हम लोगों ने ना इनको ना यहाँ के ना नगर सेवक बना की जिम्मेदारी दी है ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। लेकिन इन्होंने जो है ना अपने पावर का जो दुरुपयोग किया ना, इससे ना ऐसा दुख होता है ना कि यार हमारे लोग ना जो चुन के आते हैं इलाकों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, वही लोग ना गरीब गुरबा को ना नुकसान पहुँचाते। मसलन कि है ना, आज ना चीता कैम्प के अंदर ना जी सेक्टर ई सेक्टर के अंदर ना ऑलरेडी उन्होंने अपने 200 शौचालय ना अपने खानदान वालों को दे चुके हैं। अहमद भाई साफ साफ बताएंगे कि शाहनवाज शेख के ऐसे कौन से रिश्तेदार है उसमें शौचालय में, जो संस्था में, जो आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं शाहनवाज शेख पर? मेरा तो शौचालय बस शिकायत है बोल के मैंने इसमें मेहनत किया और हम लोग ने इसके पीछे वर्कआउट करके ना इसके बाद डॉक्यूमेंट निकाले। और ख़ास बात ये है ना भाई, मैं आपको ना अभी एक जो एक सेक्टर है ना, एक सेक्टर के बारे में आपको बताऊँ, मैं अभी आपको ना एक सेक्टर बताऊँगा जो ना अभी जो इसके ना मनमानी करके ना नगर सेवक का ना मिसयूज़ किया है, पावर का मिसयूज़ करके ना अपने खानदान वालों को दिया सर। नगर सेवक का काम है कि ना अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, अपने पावर को लोगों पावर का एक्सेस करके ना इलाके के लोगों को ना सुविधा पहुँचाए। नगर सेवक का काम ये नहीं है सर, नगर सेवक का काम ये नहीं है कि अपने अपने खानदान वालों को कभी दादी को दे देवे, कभी अपनी सिस्टर को दे देवे, कभी अपने भाई को दे देवे, कभी अपने एक्स वाई एक्स पीए को दे दे, ये नहीं चल सकता सर। ये मोहल्ले की उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। वो तो नगर सेवक 5 साल के लिए आया है। ये नहीं हो सकता है कि पावर का एक्सेस करके मनमानी करके किसी को अपने सगे वालों को दिया जाए। हाँ, अगर आपको इवेंट चाहिए तो मैं आपको देने तैयार हूँ। मैं राहुल भाई, मैं ना आपको ना, आपको और चीता गेम के लोगों को ना मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, जो चीता गेम की जनता भी सुनेंगी और आपके माध्यम से भी, अगर आपके माध्यम से भी सामने बात आएंगे ना, तो आपको ना अचंभो हो जाएगा। कि अचंभो ये होगा ना कि ये शौचालय ना किस तरह से घोटाले हो रहे। शौचालय घोटाले के अंदर है ना, इतना बड़ा मेरे पास पेपर है ना सर ये,
क्या आप इसको देख के ना एकदम आप ना दंग रह जाएंगे। वो क्या चीज है अहमद भाई जी, क्या चीज है जो शौचालय पे आप जो है इतना भड़के हुए हो और इतना एग्रेसिव जो हो रहे हो, ऐसी क्या चीज है आपके पास जो आप मतलब जनता को बताना चाहते हैं? राहुल भाई, मैंने आपको ना पहले बताया था कि मैंने गटर के तालुक से भी काम किया हूँ और गलियों के अंदर घूम घूम के गलियों भी सफा किया हूँ, और हत्या के देखे ना कि मैंने रोड के अंदर भी जाके रोड का भी काम किया हूँ। जब रोड काम करते करते देखा ना कि शौचालय के अंदर जाके देखा ना मैं कि शौचालय रात को ना 1 बजे बंद हो रहा है, सुबह 6 बजे खुल रहा है, मतलब वहाँ के लोगों को तकलीफ हो रही। मैं चीता गेम के हमारे पूरे ना हम लोग ना शौचालय पास जब ना इसकी ना तह तक पहुँचे ना, तो एक ना एविडेंस मेरे सामने आया भाई, वो एविडेंस आपको दिखाता हूँ। एक ना ई सेक्टर के अंदर एक शौचालय का घोटाला आया सामने। शौचालय घोटाले संस्था नाम बताता हूँ भाई आपको, संस्था का नाम है ना साथी सेवा संस्था है, साथी सेवा संस्था का नाम है ये संस्था है ना। ई सेक्टर के अंदर नया शौचालय बना है। हम लोगों ने ना जो शौचालय के तालुक से जो सर्वे किए, जो इसके दस्तावेज को ना हम लोग हासिल करने की कोशिश की ना, वो जो दस्तावेज जो हमारे हाथ में है ना सर, आप भी सुनेंगे और चीता केम के आवाम भी सुनेंगे, दंग रह जाएंगे। नगर सेवक ने अपने पोस्ट का दुरुपयोग करके अपने रिश्तेदारों को शौचालय दिया है सर। लेकिन शौचालय जो है नगर सेवक दिलाता नहीं है अहमद भाई। शौचालय में आपको मैं बता देता हूँ कि एक संस्था होती है, वो संस्था जो है एप्लीकेशन डालती है बीएमसी में ना, तो बीएमसी जो है उसको मतलब वेरीफाई करती है, सर्वे करती है कि संस्था सही है क्या नहीं, उसके मेंबर सही है क्या नहीं, उसके बाद ही जो है वो संस्था को जो है हैंडओवर किया जाता है शौचालय। आप जो है नगर सेवक को ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये उसकी कुर्सी का दुरुपयोग कर रहा है? नहीं, आपको मैंने बताया था राहुल, मैंने आपको पहले बताया था कि शौचालय बनाने का जब प्लानिंग होती ना, तो शौचालय बनाने के लिए मनपा है ना, तो वहाँ पर के इलाके वालों को ही देने का है ना, ऐसा जीआर तो इलाके लोगों को दे। ऐसा कौन बंदा है जिसको मतलब जो संस्था में मौजूद है और जिससे आपको तकलीफ हो रही है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इसके अंदर जो लोग रहते ना, तो लोग रहने वाले और कौन है ये, मैं आपको बताता हूँ। एक है ना इसके अंदर ना प्रेसिडेंट है, साथी सेवा संस्था का ना एक प्रेसिडेंट है, उसका नाम है सुजात सरफराज हुसैन, ये शाहनवाज का सगा भाई है। आप बोलते हो दुरुपयोग कैसा किया काउंसलर, ये दुरुपयोग के भाई, ये सुजात सरफराज हुसैन उसका सगा भाई है। तो सुजात जो है वो इलाके का रहने वाला है, तो वो भी तो एक अपनी संस्था बना के कर सकता है ना, कि मतलब एप्लीकेशन डाल सकता है? नहीं नहीं भाई, इसके अंदर आप देखो ना भाई, ये संस्था जो आप बता रहे हो जो है, कौन सी संस्था है? साथी सेवा है ना, तो ये संस्था को जो है शौचालय अलॉट हो चुका है क्या, मतलब बीएमसी द्वारा हैंडओवर कर दिया गया है क्या? नहीं भाई, मैं जो है ना आपको जो बोल रहा हूँ ना कि ऑलरेडी दो शौचालय ना अपने सगे वालों को दे चुका है, और तीसरा भी ना अपने देने वालों की तैयारी हो चुकी है, जिसके कारण है ना कि 21 तारीख 8:50 में ना अपने भाई लोगों को ना शौचालय ओपनिंग करके दे चुका है, जबकि बीएमसी को ना 21 तारीख फरवरी में ना 2022, जबकि ना भाई बीएमसी से ना अभी तक कोई ना प्रूफ उनको परमिशन दी नहीं गई है, कोई पूरा उनको ना प्रूफ दिया नहीं गया कि आप चालू करो बोल के, ये मनमानी तरीके से ना ओपनिंग करके अपने भाई लोगों को दे दिए। वो संस्था के अंदर ना भाई, साथी सेवा संस्था का नाम है ना, हमारे सुजात हुसैन है ना उनको, वो प्रेसिडेंट उनके सगे भाई है। हाँ, ये शाहनवाज शेख के ना, शाहनवाज जो नगर सेवक ना उनके सगे भाई है, और हाफिजुल रहमान ना सेक्रेटरी है संस्था के, जो एक्स पी ए थे उनके, ये उनके हाफिजुल खान उनका इस XPA, और हमारे ये माज नूर है ना, ये खजांची है भाई इस संस्था के, यानी उनके पूरे अपने सगे वालों को दिए ना, इस वजह से तो दुख है ना। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मतलब संस्था को जो है, मतलब संस्था को दे दिया है क्या, संस्था को, ये संस्था को आप जो नाम ले रहे हो संस्था का, ये संस्था को ये शौचालय हैंड ओवर हो चुका है भी या नहीं? नहीं शायद राहुल भाई, आपको मैं समझाने के लिए शायद मैं ना सक्षम नहीं हो रहा हूँ मैं, या तो फिर आप, मैं समझा रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे रहेंगे, क्योंकि बीएमसी की तरफ से ना कोई लेटर अप्रूव नहीं हुआ है, बीएमसी से कोई लेटर इनको नहीं आया कि तो आप चालू करो बोल के। ये 21 फरवरी 2021 को 8:50 के अंदर महाशिरे नगर सेवक ने इसकी ओपनिंग करके अपने भाइयों को हैंडवर्क दे दिए, आप जाके सर्वे कर लिए। मेरा तो मानना है कि ना इस देश के अंदर कानून भी एविडेंस है अहमद भाई कि वो शौचालय चालू था,
कुछ है आपके पास एविडेंस? भाई आपको जो इंटरव्यू देने का मकसद ही मेरा वही है, मेरा मकसद वही है कि आज प्रहारी मुंबई को बुलाया, मैं राहिल को बुलाया हूँ इंटरव्यू देने का, कि तो जाके देखिए आप, शौचालय चालू है। मैं तो चाहता हूँ कि ये अंधेरी नगरी नहीं है भाई, हम लोग कोई 25-30 साल 50 साल के अंदर नहीं है जो कानून का मजाक उड़ा जाए। अब मेरा तो मानना है कि BMC द्वारा ये महाशिरे नगर सेवक और उसके भाई के ऊपर है ना, जो कानून बैठता है उनके कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। ये क्यों मनमान, BMC की तरफ से कोई अप्रूव नहीं है तो क्या जरूरत थी उनको ओपनिंग अपने अपने मनमानी कैसे ओपनिंग करने की? मेरा मानना, मैं तो अपना चिता गेम को बताना चाहता चिता गेम लोगों को, ये भाई महाशिरे नगर सेवक 145 के नगर सेवक शाहनवाज को कानूनी तौर पर ना इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये गलत तरीके से ना अब शौचालय को ना अपने सगे वालों को देकर हैंडवर्क की है ये, और कुछ भी ना, मैंने गलत है भाई। तो अभी आप जो है BMC के अधिकारी से BMC के ऑफिसर से क्या गुजारिश करना चाहोगे अहमद भाई? मैं तो BMC के ना वार्ड कमीशनर से मैं ना आग्रह करूँगा मैं कि ऐसे मनमानी करने वाले काउंसलर, ऐसे मनमानी करने वाले जो कानून की धज्जियाँ उड़ा दे, जो पोस्ट में हो के कानून की धज्जियाँ उड़ाए और आवाम की जज्बात से खिलवाड़ कर रहे, ऐसे लोगों पर कानून कार्रवाई होनी चाहिए भाई। मोहल्ले वालों को जब संस्था, मोहल्ले वालों को जब GR के अंदर ये जाहिर कर दिया गया है कि मोहल्ले वालों को संस्था दिया जाए, मोहल्ले वालों को एक बॉडी तैयार करके मोहल्ले वालों को संस्था हैंडओवर किया जाए, तो अपने भाई लोगों को देने की क्या जरूरत है? अहमद भाई मैं तो ये कहूँगा, BMC का काम होता है कि सर्वे करके हैंडओवर करना, इसमें जो है आप बता रहे हो कि एक ही मोहल्ले के, मतलब एक ही मोहल्ले, आपके पास जो बता रहे थे कि GR भी है, GR कॉपी है कि जिसमें बताया जा रहा है कि एक ही मोहल्ले के, मतलब वो सोचा ले के आसपास के पड़ोस के लोग ही जो है उस मेंबर का, कमेटी के मेंबर होना चाहिए और वही मतलब जो है वो शौचालय को मतलब टेक ओवर कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो इसमें जो है खुला पेपर में आपके नज़र आ रहा है, हमने जो है देखा है हाँ कि वो GR में जो है बैठ ही नहीं रहे हैं, कुछ आदमी जो है, कुछ बंदे, कुछ मेंबर ऐसे हैं जो GR में नहीं बैठ रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है BMC की भी गलती है कि बराबर से सही तरीके से सर्वे करके जो है संस्था को हैंडओवर करना, इसमें जो है शाहनवाज शेख का भी नाम जो है पीसा जा रहा है। तो आप ऐसे BMC अधिकारी को जो सर्वे करने आते हैं और BMC के जो है कमिश्नर को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अहमद भाई कि ऐसी गलतियां जो है BMC के अधिकारियों से जो है हो रही है या आगे ना हो? नहीं सर, ऐसा ना कि जब अपना एक लोकल आदमी और एक नगर सेवक के अंदर ना जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो जो BMC के जो पदाधिकारी ना, ये समझते हैं कि नगर सेवक तो सही काम कर रहा होगा, नगर सेवक तो अपने इलाके का सही सोचता होगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है ना सर, यहाँ तो उल्टा है। देखो मेरे पास प्रूफ है सर, ये प्रूफ है, ये अपने सगे वालों को देने का प्रूफ है। ये जो मैं बताया गया सज्जाद हुसैन जो प्रेसिडेंट है, उसका सगा भाई है हाफिजुल खान, जनरल सेक्रेटरी है वो, और उसका नाम मास नूर, वो खजांची है, सगा है ना, कहाँ उसका मतलब, उसका BMC कानून का पालन किया उसने? नगर सेवक ने BMC के कानून का पालन नहीं किया है, उल्लंघन किया उसका भाई। ये संस्था आपको कंफर्म पता है कि संस्था को मिल चुका है ये शौचालय भाई? कल 21 फरवरी इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब अगर ये संस्था को नहीं मिला है, ठीक है, अगर ये संस्था को BMC हैंडओवर नहीं करी है शौचालय, तो सरासर इस शौचालय का ताला तोड़कर जो है इस शौचालय में घुसा गया है। या तो ये हो सकता है ताला तोड़ के घुसा गया है अंदर, इसकी ओपनिंग करी गई है, या तो इसकी जो है ये संस्था को दिया गया है लीगली, MOE जो है इसका नहीं मिला है, आप ऐसा बता रहे थे MOE नहीं मिला है, उस वजह से जो है इन पर जो है आपकी टीम जो है कुछ एक्शन ले सकती है, तो आप इसके बारे में मतलब आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं अहमद भाई? मेरी तो डिमांड है BMC से कि वो ना इधर आके सर्वे करे, क्योंकि कल रात को 8:50 में जबरदस्ती मनमानी तरीके से शौचालय चालू करके उनको हैंडवर्क करके दिया गया है। अगर वो गलत है तो आके देखिए, वो सुबह सुबह उसको ताला मारिए, फिर कानूनी तौर पे जो BMC में जो कानूनी GR के सबसे बैठता उनको दीजिए, लेकिन किसी को नगर सेवक है या उसे सगे वालों को दे, उसे अपने सगे वालों को दे, ये नहीं चलेगा। ये यहाँ के मोहल्ले वालों को हैंडवर्क किया जाए,
मोहल्ले वाले के अलावा किसको नहीं दिया, मोहल्ले वाले का मतलब क्यों नहीं गया सर जी? आधी रात को देर सवेर कभी होता है ना कि वो लोग मोहल्ले वालों का ख्याल करेंगे उन लोग कि खोल के शौचालय कभी किसी को तकलीफ है, शौचालय खोल के वो लोग शौचालय करने दिया जाएगा? लेकिन अगर कोई बाहर का हो गया, कोई इलाके का बाहर का हो गया, वो कैसे इलाके को फ़ायदा पहुँचाएगा? इलाके के साथ में नाइंसाफी होगी इलाके मोहल्ले वालों के साथ में। तो मोहल्ले वाले के साथ में नाइंसाफी होने के वास्ते बीएमसी क्या करती है, मोहल्ले वालों को देने के लिए एक जीआर बनाई है। तो अगर गलत तरीके से महाशिरे नगर सेवक साहब ने अगर कल ताला तोड़े, मुझे तो ऐसा इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो ताला तोड़े हैं, अगर वो ताला तोड़े हैं तो बीएमसी से मैं अनुरोध करूँगा, बीएमसी से मैं डिमांड करूँगा कि उनके पास सख्त से सख्त उनके पास कार्रवाई की जाए और उनको कानून के दायरे में रखे उनको काम करने की उनको अनुमति दिया जाए। तारीख क्या है? 21 तारीख है। 21 तारीख है, तुम्हारे वॉल में देखो। अच्छा 21 तारीख, अभी 22 तारीख हो गया, मतलब 12:16 पर 22 तारीख हो गया 2022 ना, 22 फरवरी 2022।